हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश ट्यूएम में। आज के दिन बात करने वाले ऐसे SCSL का टाइपिंग रिजल्ट कब तक आएगी, इस वीडियो में जानने वाले हैं। और कितना मिस्टेक अलाउ है आपको बताएंगे, कितना आपको शॉर्टलिस्ट मिल सकता है, माफी मिल सकती है, आप इतना मिस्टेक कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस फाइनल निकल चुका है कि मैं आपको बताऊंगा आपका रिजल्ट कब तक आएगा फाइनली, और RTI ने क्या रिप्लाई दिया इसके रिगार्डिंग, SSC ने क्या बताया, सारी जानकारी आपको देने वाली इस वीडियो को कंप्लीट बना के कंप्लीट एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बताते हैं हम ऐसे CSL में मिस्टेक कितना अलाउ है। यहाँ पे देख लीजिए आप, फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे UR में देख सकते हैं 5%, SC में देख 7%, ST में 7%, ठीक है। ये वेरी हो सकता है इस बार, लेकिन एक्सपेक्टेड है कितना आपका यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका फोर पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट लोअर डिवीजन क्लर्क में देख सकते हैं 7%, 10%, पिछली बार जो ये गया था 10% तक चला गया था, काफी सारे जनरल में 7% 8% के चला गया था। मैं दिखा देता हूँ आपको 2019 का, देख लीजिए जनरल में 7%, EW में 10%, OBC में 10% ही कट ऑफ चला गया था। और पिछले साल जो है 13,088 बच्चों के यहाँ पर सिलेक्ट किया गया था टोटल, ठीक है। अब बात करते हैं SCSL का स्किल टेस्ट का रिजल्ट कब है। काफी यूट्यूबर इसके रिगार्डिंग काफी सारे वीडियो बनाए हैं, कुछ ने बोला है कि 12 तक रिजल्ट आएगा, किसने बोला 15 तक रिजल्ट आएगा, कोई बोल रहा है मिड में आएगा सितंबर के, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रिजल्ट जो है आपका यहाँ पे फाइनली बताया नहीं गया रिजल्ट आपका कब आएगा, ठीक है। फाइनली SSC के द्वारा RTI फाइल होती है, RTI फाइल में यही बताया कि आप अपनी जो रिजल्ट है वो SSC.gov.in की वेबसाइट पे देख सकते हैं। उनको भी नहीं पता RTI को भी कि इस रिगार्डिंग आपको क्या बताया, ठीक है। तो काफी सारे यूट्यूबर ऐसे फेक वीडियो बना रहे कि RTI ने ये बताया कि इस दिन आएगा, तो जितना ही पॉसिबिलिटी है हम बता दूं एक्सपेक्टेड कितना है आपका। जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है वो सितंबर के एंड तक है, सितंबर के एंड तक आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं डेफिनेट आ सकता है, ये मानी चले इसी महीने आपका रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, किसी फेक न्यूज किसी अफवाह से आप बचिए, क्योंकि आपको पता ही सोशल मीडिया का जाल है, किसी भी फेक न्यूज से आप पड़ गए तो हो सकता है उसको विश्वास कीजिएगा, फिर उसके बाद जब नहीं आता है फिर आप पछताते हैं, फिर उसकी वीडियो में अलग यूट्यूबर की वीडियो में आप कमेंट्स करते हैं आपने बताया था ये बता, गलती आपकी है, आपको स्वीकार करना चाहिए। रिजल्ट जो है आपके इसी सितंबर के एंड में आएगा, तो डेफिनेटली आप इंतजार कीजिए, यही आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।